ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरे जीवन में कभी क्रोधित नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें हमें जो नापसंद है, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, वो हमें फेस करनी पड़ेगी और हमारा रिस्पॉन्स क्रोध होगा कभी ना कभी। लेकिन उस रिस्पॉन्स को कैसे टैकल करना है, ये हमने पहले पार्ट में सीखा। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हम भावनाएं व्यक्त करने में थोड़ा पीछे रह रहे हैं तो उन्हें कैसे करें। ये होती है लाइन ऑफ बैलेंस, हमें इसे अचीव करने की कोशिश करते रहना है। जिंदगी है तो हाईज लोज होंगे, इट्स बट नेचुरल। एक बार जिंदगी खत्म हो गई, जीवन के बाद तो सुकून ही सुकून है, ये लाइन स्ट्रेट ही रहने वाली है। लेकिन जब तक हाईज लोज जिंदगी में है, दैट मीन्स यू आर अलाइव, हम जिंदा है, तभी तो हाईज लोज शुरू है। लेकिन हमें बैलेंस अचीव करते रहना है, मिडिल लाइन अचीव करते रहना है। मन और शरीर दोनों कनेक्टेड है, तभी तो जब हम मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर हो जाता है, तभी तो हम जब स्ट्रेस्ड होते हैं हमें नींद नहीं आती है स्ट्रेस की वजह से। नींद ना आने की वजह से फिजिकली बहुत सी हमें डिसऑर्डर्स या तकलीफें दिखाई देती है। ये सब ऊपर ऊपर चीजें हो रही है, दिखाई देती है, लेकिन हमारे माइंड की वजह से, हमारे वे ऑफ थिंकिंग की वजह से अंदर ही अंदर हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। बहुत ज्यादा आनंद होने के बाद भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड और हमारी बॉडी कनेक्टेड है, एक साथ जुड़े हुए हैं। लोगों को ज्यादा स्ट्रेस लेने की आदत है और ज़्यादा ओवर थिंक करने की आदत है, ज़्यादा विचार अंदर ही अंदर करते रहने की आदत है, उनका माइंड का साइकिल चालू है, थॉट्स का प्रोसेस चालू है। बहुत ज़्यादा क्रोध है लेकिन उनको व्यक्त करने का की कला उनमें नहीं है, बाहर उनको दिखाने की कला नहीं है। पहले से उनका नेचर अंदर सब कुछ दबा के रखने का है, उनमें मेंटली इम्बैलेंस क्रिएट होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अंदर दबा के रखना, उसका पाइल होते जाना, कभी ना कभी इस बात का, इस चीज़ का विस्फोट होने वाला है। और ये जब विस्फोट होता है तो अलग अलग हेल्थ कंडीशंस लेके वो दिखाई देता है। इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा सा व्यक्त होना सीखना पड़ेगा। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी में क्या सेल्फ केयर लेना ज़रूरी है, मतलब बीपी कंट्रोल में रखने के लिए आपको खुद के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहली चीज़ है बॉडी की केयर थ्रू मेडिकेशन, दूसरी चीज़ है माइंड की केयर थ्रू मेडिटेशन। दो M याद रखिए, मेडिकेशन और मेडिटेशन। पहली चीज़ मेडिकेशन में आपको ये करना है कि आपके डॉक्टर ने आपका बीपी कंट्रोल में रहने के लिए जो मेडिसिन शुरू किया है वो आपको उनकी सलाह के बगैर बंद नहीं करना है। आपको बार बार यानी कि 3 महीने में या 6 महीने में उनको फॉलोअप देते रहना है, या जब भी वो आपको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे तब आपको उनके यहाँ एग्जामिनेशन के लिए जाना है। और किसी भी कारण की वजह से आपकी बीपी की गोली आपको स्किप नहीं करनी है। ये हुआ मेडिकेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन में पहली चीज़ आपको करनी है, जैसे मैंने कहा, अगर आपको किसी चीज़ का क्रोध आया है या कोई भी भावनाएं आपके अंदर है तो आपका रिस्पॉन्स उसके लिए एकदम से देने से पहले आपको खुद से कनेक्ट होना है। आप ये कर सकते हैं कि आंखें तुरंत बंद करके आप अपने श्वास के साथ, आपके ब्रेथ के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर किसी चीज़, कोई चीज़ आपको पसंद ना आए या कोई हर्डल लाइफ में अचानक से अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आए तो आपको आंखें बंद करनी है रिस्पॉन्स देने से पहले और ब्रेथ से कनेक्ट होना है। जो चाहिए वो हमारे पास है, हमें ब्रेथ ही तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, श्वास की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए। तो जो है उसको अप्रिशिएट कीजिए, उससे कनेक्ट कीजिए और जो प्रॉब्लम आपके सामने आई है डील विद इट, बट माइंडफुली थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद फिर रिएक्ट कीजिए।
रिएक्ट करना है, एक्सप्रेस करना है, लेकिन पहले खुद से कनेक्ट होना है, ब्रेथ से कनेक्ट होना है। दूसरी चीज़ मेडिटेशन में आती है, वो है माइंड केयर, अपने खुद के मन की केयर करना। ये आप मेडिटेशन या साधना के थ्रू कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेडिटेशन के लिए स्पेसिफिक वक्त निकालने की आदत होती है, वो बहुत अच्छी आदत है। एक मिनट से मेडिटेशन शुरू कीजिए अपने डेली लाइफ में, 1 से 2 मिनट कीजिए, 2 से 3 मिनट कीजिए, 3 से 4 मिनट कीजिए, ऐसे ग्रेजुअली मेडिटेशन के लिए 5 से 10 मिनट दिन भर में से निकालिए। सुबह के 10 मिनट निकालने हैं ऐसे कुछ नहीं है, आप सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट कर सकते हैं। आपके हिसाब से उसका अनुभव लेते हुए, उसको एंजॉय करते हुए मेडिटेशन शुरू कीजिए और अपने लिए रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कीजिए। ये जो थॉट्स होते हैं ना अपने, जैसे मैंने कहा विचार चक्र शुरू रहता है माइंड में, तो उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ये एक दिन में हासिल नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके इम्प्रूवमेंट करनी है। तीसरी चीज़ है मेडिटेशन के अंदर जो आती है, वो है रिलेशनशिप्स। आपके जो संबंध है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ आपका नाता कैसा है? क्या आपके मन में कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उनको बाहर फेंक दीजिए, आपके रिलेशनशिप्स सुधारिए। आप अगर आपकी भावनाएं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आदत डालिए शेयर करने की, थोड़ा थोड़ा करके उसमें एक्सपर्ट हो जाइए, लेकिन स्मॉल स्टेप से शुरुआत कीजिए। थेरेपी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हम एक दूसरे इंसान के साथ अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं पूरी तरह से, और आपके अंदर जो सैचुरेटेड रहता है वो बाहर आता है। लेकिन थेरेपी के साथ साथ आपके जो क्लोज रिलेशनशिप्स है, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ भी अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। आपको जो पसंद ना आए वो अच्छी तरीके से दूसरों को समझाना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि क्रोध का उद्रेक आपको नहीं करना है, थोड़ा सा सोच विचार करके, लेकिन भावनाएं आपकी एक्सप्रेस करनी ही है। कुछ ग्रज है अगर आपके मन में, किसी के बारे में अगर कुछ नेगेटिव फीलिंग है आपके माइंड में, किसी के लिए बुरे ख्याल है, प्रोफेशनली आप जिसके साथ काम करते हो उन्होंने कुछ गलत किया है और आपको हर्ट किया है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ की है जो आपको पसंद नहीं आई है, तो डू अ फेवर ऑन योरसेल्फ, डू अ बिग फेवर ऑन योरसेल्फ एंड फॉरगिव दैट पर्सन। भूल जाइए, छोड़ दीजिए, छोड़ देने की आदत डाल दीजिए। जितना हम समेट के बैठते हैं भावनाओं को, वो अंदर दब जाती है अपने अंदर, तो उनको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है और चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी है। आंसी, ये कहना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, यू आर राइट, डेफिनेटली दिस इज़ वेरी ईजी सेड देन डन, लेकिन कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्रोध का उद्रेक जब होता है तो उसको वो ना हो इसलिए क्या करना है। दूसरे पार्ट में आप सबके साथ शेयर किया कि क्रोध को अव्यक्त रखना डेंजरस है, तो कैसे व्यक्त हो, और हाई बीपी में खुद की सेल्फ केयर कैसे लेनी चाहिए। ये वीडियो, ये दोनों भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो भी अपने हाइपरटेंशन का अच्छे से ख्याल रख सके और बीपी कंट्रोल में रखने की कोशिश अच्छे से कर सके। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले हेल्थ रिलेटेड वीडियो में वेरी सून। आई एम श्योर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।